वेलकम टू बानिक यूट्यूब चैनल। देखिए, इससे पहले वाले कुछ वीडियो में मैं आपको बताया था कि एक स्टार का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में अगर आप लोग देखते हो तो हमारा जो ब्रह्मांड है यानी जो आपका यूनिवर्स है उसमें क्या है, बहुत सारे आपके गैलेक्सी है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी होती है। उन मिलियंस ऑफ गैलेक्सी में क्या होती है, आपका मिलियंस ऑफ क्या होती है, स्टार होती है। वो स्टार किस प्रकार से बनती है मैं आपको उसके प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको स्टार को लेकर जितना भी डाउट है वो सारा क्या होगा उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्टार के बारे में मैं आपको बता दिया था कि स्टार किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा कि ये जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, जो आपके 8 प्लैनेट है, इन 8 प्लैनेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दैट इंपॉर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आवर प्लैनेट्स। समझ में आया, डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आवर प्लैनेट्स, यानी हमारे जो प्लैनेट है उनका फॉर्मेशन का जो डिफरेंट थ्योरी है वो एक सिंपल सा भाषा में मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो थ्योरी है वो है, याद रखिएगा, आपका मोनोस्टार थ्योरी। क्या है? मोनोस्टार थ्योरी। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी याद रखिएगा, दो साइंटिस्ट ने दिया था, एक थे आपके कांट और एक थे आपका लापालस। दोनों ने कुछ अलग अलग थ्योरी दिया था। जैसे कि कांट ने एक थ्योरी दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, आपका गैसियस थ्योरी। और लापालस ने एक थ्योरी दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, नेबुला थ्योरी। दोनों थ्योरी क्या है देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग आपका कांट का गैसियस थ्योरी। देखिए, जो स्टार होती है या फिर जो सन है, सन भी तो एक स्टार है ना, तो सन या फिर जो स्टार होती है वो एक प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा क्या होता है, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका प्लाज्मा। सिंपल सा एग्जांपल है, दूध के ऊपर जो मलाई जमता है वो आपका एग्जांपल हो गया आपका प्लाज्मा का। उस आप लोग बोल सकते हो मैटर में होता है कौन, आपका सन और या फिर जितने भी स्टार है। तो जो कांट का गैसियस थ्योरी है, ये थ्योरी बताता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। सन क्या कर रहा है, आपका रोटेट कर रहा है। तो जब सन क्या किया, आपका रोटेट किया, तो सन के रोटेशन के कारण क्या हुआ, क्योंकि ये प्लाज्मा शेप में था, इससे क्या हुआ, कुछ भाग निकल गए। प्लाज्मा में था, प्लाज्मा होता, इससे क्या हुआ, कुछ भाग निकल गए, टूट गए। और कुछ भाग टूटने के बाद क्या फॉर्मेशन किया, आपका प्लैनेट का फॉर्मेशन किए। कौन सा थ्योरी, कांट का गैसियस थ्योरी। नेक्स्ट आते हैं दूसरा थ्योरी। देखो, दोनों आएगा आपका मोनो स्टार थ्योरी में ही आएगा। दूसरा जो थ्योरी है वो है, याद रखिएगा, लापालस का नेबुला थ्योरी। लापालस ने बोला कि जी ऐसा नहीं है, पहले क्या हुआ, जो सन है, सन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो सन का जो साइड का एरिया है, सन का साइड का एरिया से क्या होता है, आपका एक स्टार टूटता है, एक पार्ट टूटता है, और वो पार्ट टूटने के बाद क्या करता है, बहुत सारा छोटा मोटा क्या बनता है, आपका प्लैनेट बनाता है। ये बनाता है कौन, आपका, ये बताया गया लापलस का नेबुला थ्योरी के द्वारा। लेकिन ये जो दोनों थ्योरी थी, गैसियस थ्योरी और आपका नेबुला थ्योरी, कांट का गैसियस थ्योरी और लापलस का नेबुला थ्योरी, ये थ्योरी फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, ये फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि भाई जो प्लैनेट फॉर्मेशन हुआ, वो प्लैनेट का कैरेक्टर, वो प्लैनेट का जो कैरेक्टर है, वो प्लैनेट इससे बना हुआ है, उसका कंपोजिशन और सन का कंपोजिशन क्या था, जमीन आसमान का अंतर था, जिसके कारण क्या हो गया, ये थ्योरी फेल हो गया। अरे सिंपल सा बात है ना, कोई चीज फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो उससे क्या होना चाहिए, उसका जो अंश है। अब मेरा चीज कुछ, अगर मेरा खून गिर जाता है कहीं पे, तो मेरा खून अगर गिरता है तो अगर पता करना है मेरा खून क्या है, तो मेरा खून और वो खून को मैच करो, पता चल जाएगा कौन सा मेरा खून है कि नहीं है। उसी प्रकार से जब मैचिंग किया गया प्लैनेट को और इस सन से जब मैचिंग किया गया, तो पाया गया इसमें जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए क्या हो गया, ये थ्योरी फेल हो गया। कौन सा, कांट का और लापलस का जो मोनोस्टार थ्योरी था, यानी कि गैसियस थ्योरी, और आपका नेबुला थ्योरी फेल हो गया। उसके बाद आता है, याद रखिएगा, आपका ड्यूअल स्टार थ्योरी।
जिसको दिया था आपका चैम्बरलिन और जीन ने दिया था, ड्यूअल स्टार थ्योरी। किसने दिया था? चैम्बरलिन और जीन ने दिया था। क्या था यह थ्योरी? तो इसमें बोला गया कि चैम्बरलिन ने क्या बोला, चैम्बरलिन ने बोला कि जी ऐसा नहीं है, क्या है, सन है, उसके पास एक और स्टार है, वो क्या किया, वो स्टार सन को अपने तरफ घींचा, वो जो एक और स्टार है वो क्या किया, सन को अपने तरफ घींचा, और जो सन को घींचा तो क्या हुआ, सन से क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा भाग टूट गया, और सन से थोड़ा थोड़ा भाग टूटने के बाद क्या हुआ, आपका प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। कौन बोला? चैम्बरलिन का थ्योरी था। उसी प्रकार से एक और थ्योरी आता है, जीन का थ्योरी। उन्होंने कोई बोला नहीं ऐसा नहीं था, उन्होंने क्या बोला कि भाई क्या है, आपका सन है, एक स्टार है, ये क्या किया, जब इसको घींच रहा था, जो एक स्टार है जब क्या कर रहा था, सन को घींच रहा था, तो कभी जोर से घींच रहा था, कभी क्या कर रहा था, धीरे से घींच रहा था। जब जोर से घींच रहा था तो क्या होता है, बड़ा भाग टूट के बाहर निकल रहा था, और जब धीरे से घींच रहा था तो क्या हो रहा था, आपका छोटा भाग टूट के बाहर निकल रहा था। जिसके कारण क्या हुआ, जब जोर से घींचा तो बड़ा भाग टूट के निकला, यानी कि बड़े बड़े प्लैनेट फॉर्मेशन हुए, और जब छोटा भाग टूट के निकला तो क्या हुआ, आपका छोटे छोटे प्लैनेट फॉर्मेशन हुए। कौन बोला? तो ये बोला, याद रखिएगा, आपका चैम्बरलिन और जीन ने बोला अपने ड्यूअल स्टार थ्योरी में। लेकिन ये भी थ्योरी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? वही चीज, क्या कि भाई कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है। तो इसके बाद आता है आपका एक और थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं आपका डबल स्टार थ्योरी। और ये जो थ्योरी है, इट इज द, आप लोग बोल सकते हैं, सबसे मान्यता प्राप्त थ्योरी है। कौन सा? डबल स्टार थ्योरी। क्या है ये थ्योरी? देखिए, ये थ्योरी बताता है कि सन अपने जगह पे स्थिर था, सन के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, दो अलग अलग तारे थे, दो अलग अलग तारे थे। तो जो दोनों जो अलग तारे थे, सपोज ऐसा बता सकते हैं आप लोग, एक तारा ए था, एक तारा आपका बी था, तो बी नंबर तारा क्या किया, आपका ए नंबर तारा को घींचा। क्या किया? बी नंबर तारा क्या किया, आपका ए नंबर को घींचा। जब ए नंबर को घींचा तो क्या हुआ, आपका ए का एक्सप्लोजन हो गया, और उस ए का एक्सप्लोजन से क्या हुआ, आपका प्लैनेट का फॉर्मेशन हो गया। और बी का क्या हुआ, तो बी से आपका बन गया क्या, बी जो आपका स्टार था वो क्या बन गया, बाद में ब्लैक होल बन गया। तो इसका थ्योरी क्या हो गया, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी हो गया। क्यों थ्योरी हो गया? देखो, कहावत है हिंदी में, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। यहां पे क्या हो रहा था, पहले का जो थ्योरी था उसमें क्या हो रहा था, हम लोग सन से क्या कर रहे थे, मैचिंग कर रहे थे। इसने दिमाग लगा के क्या कर दिया, इसने बताया कि भाई आपका वो जो स्टार था, ए नंबर जो स्टार था, वो तो एक्सप्लोड हो गया, यानी वो अब है नहीं, तो उससे आप कैरेक्टर मैच कर नहीं सकते, और जो बी नंबर स्टार था जो कि घिस रहा था, वो तो ब्लैक होल बन गया। क्लियर? तो इसीलिए क्या बोलते हैं, क्योंकि ये आपने आगे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ा, ये जो थ्योरी था अपने आगे कोई भी सवाल को नहीं छोड़ा, इसीलिए क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, जो डबल स्टार थ्योरी है, इसी से क्या हुआ था, आपका प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या है, हमारे मान्यता है। समझ में आया? तो ये था, याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। क्या क्या? मोनोस्टार थ्योरी। मोनोस्टार थ्योरी में आपको दो बताया गया, एक होता है आपका गैसियस थ्योरी, और एक होता है आपका, याद रखिएगा, कौन सा, अरे कौन सा, एक तो होता है आपका नेबुला थ्योरी, और दूसरा बताया गया कौन सा आपका, तो दूसरा बताया गया आपको ड्यूअल स्टार थ्योरी, और तीसरा बताया गया आपको डबल स्टार थ्योरी। समझ में आया? ये आपको किसी भी एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। नॉर्मली जो डबल स्टार थ्योरी है, ये आपका एसएससी आपका एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, आपका किसी भी प्रकार से जो ओडिशा गवर्नमेंट का एग्जाम हो गया, किसी भी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में आपको हेल्प करेगा। लेकिन बाकी जो थ्योरी आपको बताया गया, कौन कौन सा, मोनोस्टार थ्योरी और आपका ड्यूअल स्टार थ्योरी, ये आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए या फिर आपका ओपीएससी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए पानी के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।